गुड मॉर्निंग बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ में मैं गूगल मीट पर कंटिन्यूसली वार्ता कर रही हूँ, आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ और आपसे बकायदा आपको असाइनमेंट्स दे रही हूँ। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, उपभोक्ता की बचत के ऊपर बात करेंगे और जितने असाइनमेंट्स हैं मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि आप लोग कर रहे हैं गूगल शीट पर। तो उपभोक्ता की बचत जो है वो हम लोग बात करेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो उपभोक्ता की बचत या उपभोक्ता का अतिरेक, अतिरेक भी कहलाता है, अथवा उपभोक्ता की बेशी, ये जो अवधारणा है ये कल्याणवादी आर्थिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस धारणा के संबंध में छुटपुट विचार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किए थे। कुछ छोटे मोटे पहले मतलब शुरुआती तौर पर इन लोगों ने एक प्रयास किया था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें प्रोफेसर जेवंस ने इसके संबंध में कुछ निश्चित विचार रखा और उसके बाद में एक फ्रांसीसी इंजीनियर अर्थशास्त्री थे ड्यूपिट, आर जे ड्यूपिट, इन्होंने 1844 में रेखाचित्र एवं गणितीय ढंग से उपभोक्ता की बचत की स्पष्ट व्याख्या का प्रयास किया था। और फ्लेमिंग जैकिंस ने भी करारोपण के संबंध में उपभोक्ता की बचत के विचार का प्रतिपादन किया, उसका इस्तेमाल किया, किंतु उपभोक्ता की बचत की धारणा का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक विश्लेषण करने का जो सबसे अधिक श्रेय है वो प्रोफेसर मार्शल को जाता है, जिन्होंने सन 1879 में अपनी रचना प्योर थ्योरी टू डोमेस्टिक वैल्यूज़ में इसको सरल रूप में प्रस्तुत किया तथा बाद में 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इसकी विशद व्याख्या एवं क्रमबद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण कर अर्थशास्त्र में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। फिर प्रोफेसर हिक्स ने भी उदासीन जो यानी तटस्था वक्र, उदासीन वक्र भी कहलाते हैं, इनडिफरेंस कर्व विश्लेषण जो जेयर हिक्स का था, स्लट्सकी का था, तो जेयर हिक्स ने भी उदासीन अथवा जो तटस्था वक्र हैं उनकी रेखाओं के माध्यम से, उनकी सहायता से इस विचार को और ज़्यादा उपयोगी बनाने का प्रयास किया। आज उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का करारोपण में, मूल्य निर्धारण में, विदेशी व्यापार आदि क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, इसका अच्छे से उपयोग किया जाता है। अब ये है क्या उपभोक्ता की बचत, इसका अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दैनिक जीवन का व्यावहारिक अनुभव ये बताता है कि वस्तुओं या सेवाओं के क्रय के लिए जो कीमत हम देते हैं उससे कहीं अधिक उपयोगिता उन वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग से हमें प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे नमक है, नमक हमें नमक है, पानी है, या पोस्ट कार्ड बहुत सस्ते से मिलता है, दिया सिलाई हम लेते हैं बहुत सस्ती मिलती है, बिजली क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, आजकल तो खैर बिजली के बिल बहुत बड़े आते हैं बट स्टिल बिजली बहुत गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से हमें आसानी से उपलब्ध रहती है। समाचार पत्र ये सब जो हैं ये बड़ी आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुएँ हैं, इनकी उपयोगिताएँ बहुत ज़्यादा हैं, इनकी कीमत से ज़्यादा इनकी उपयोगिताएँ हैं। यदि ये वस्तुएँ उपलब्ध ना हो तो हम जो मूल्य वास्तव में चुकाते हैं उससे कहीं अधिक मूल्य चुकाने को हम तैयार हो जाएंगे। तो एक तरीके से जो इनको बेचने वाले हैं उनकी मोनोपोली भी होती है, जैसे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, एक अधिकार है कि वह मर्जी या जितना भी दाम ले सकती है बिजली के बिल में। अब जैसा कि माना पोस्टकार्ड के 50 पैसे लगते हैं, हालांकि अब 50 पैसे नहीं लगते हैं पोस्टकार्ड बावजूद इसके, लेकिन फिर भी पोस्टकार्ड कंपैरेटिवली किसी समय में 50 पैसे का तो होता, अब बढ़ गया है तो। पर अगर पोस्टकार्ड आसानी से ना मिले, जिसमें हम आसानी से एक फटाफट चिट्ठी लिख देते हैं, आजकल पोस्टकार्ड का महत्व तो नहीं है, तो ये उदाहरण आज कारगर नहीं है, आज प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि हम अगर आजकल तो आप देखिए व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के ज़रिए हम इधर से उधर सूचनाएं संदेश भिजवा देते हैं, लेकिन उस ज़माने में जब पोस्टकार्ड था तो उस समय अगर पोस्टकार्ड आसानी से नहीं मिलता तो उसका अन्य विकल्प उस टाइम पे था नहीं, तो हम पोस्टकार्ड के लिए 90 पैसे भी देने को तैयार हो जाते थे और कई बार ऐसा होता था कि हम दे देते थे और वो 50 पैसे में उपलब्ध हो जाता। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि जो उसका 90 पैसे में से अगर हम 50 पैसे जो उसका हम एक्चुअली प्ले कर रहे हैं वो पैसा अगर माइनस कर दें तो हमारे पास में 40 पैसों के बराबर जो बचत या अतिरेक का अनुभव होता है वही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। इसको अंग्रेज़ी में अगर हम कहें तो यूँ कहेंगे कि
वॉट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे एंड वॉट ही एक्चुअली पेज का जो डिफरेंस है, वॉट ही इज़ विलिंग टू पे, यानी कि वो क्या पे करने के लिए तैयार है, क्या कीमत किसी भी वस्तु की, क्या कीमत, वॉट प्राइस ही इज़ विलिंग टू पे, यानी कि वो क्या कीमत देने को तैयार है, तत्पर है, और वो क्या एक्चुअली पे करता है, उसके अंतर को हम उपभोक्ता बचत कहते हैं। अतः संभावित कीमत जो हम देने के लिए उद्यत हो सकते हैं और वास्तविक कीमत जो चुकाई जाती है, दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है, या उपभोक्ता का बेशी या उपभोक्ता का अतिरेक कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को इस प्रकार से, आप देखते जाइएगा, इस प्रकार से परिभाषित किया। जैसे प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में अगर कहें तो वो कहते हैं कि किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत किसी वस्तु के लिए देने को तैयार है और जो कीमत वह वास्तव में देता है, उसके अंतर को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। और यह संतुष्टि की बचत भी कहलाता है, और यह संतुष्टि की बचत का यह आर्थिक माप कहलाता है। इसे उपभोक्ता की बचत ही कहते हैं। और प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के विचार को अन्य स्थान पर निम्न शब्दों में भी व्यक्त किया, जैसे उपभोक्ता की बचत कीमत का वह आधिक्य है, उपभोक्ता की बचत कीमत का वह आधिक्य है जो उपभोक्ता किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा देने को तैयार है या इच्छुक है, और जो तथा जो कीमत में वास्तव में दे रहा है, उसके अंतर को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। प्रोफेसर टॉजिंग हुए हैं अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि समस्त उपयोगिता और समस्त विनिमय मूल्य को मापने वाली राशियों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। प्रोफेसर पेंशन थे, उनके शब्दों में जो मूल्य हम दे देते हैं और जो मूल्य वास्तव में देते हैं, इसके अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तो ये इतने सारे, इस अब जेके मेहता का आप सुन लीजिए एक बार, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि तथा उस वस्तु को प्राप्त करने में किए त्याग के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तो बहुत सारी परिभाषाएं आपके सामने आएंगी, लेकिन सरलतम परिभाषा हम बिल्कुल क्लियर, जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, वो परिभाषा है कि जो मार्शल ने भी दी और जो हम अभी बता भी रहे हैं बार बार, कि जो किसी भी वस्तु की जो कीमत एक उपभोक्ता देने को तैयार है और जो वास्तव में देता है, और तैयार है, उसको अच्छी लग रही है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट जो मार्केट में उसको जो प्राइस देना है, जो मार्केट प्राइस है, उसमें जो अंतर है दोनों में, वह अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाता है। अब आप इस चीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, जो कि पुस्तक आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बताएगी। मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप देखिए, उपभोक्ता की बचत शब्द से कितना एक भ्रांति सी उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है कि हम एज अ कंज्यूमर, हम लोगों की कोई सेविंग हो रही है। बेसिकली ये सेविंग एक भ्रांति है। इसलिए भ्रांति है कि जब हम कभी मार्केट में जाते हैं तो हम बेसिकली कम जो सवाल खड़े होते हैं स्टूडेंट्स के, अक्सर मेरे सामने जब हम क्लास लेते हैं तो हमारे पास में एक सवाल खड़ा होता है, तो उसमें बोलते हैं स्टूडेंट्स कि हम तो कम देना चाहते हैं, हम तो नहीं ज़्यादा देना चाहते हैं प्राइस। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमें अभी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता, तो हम ऐसे सवाल खड़े करते हैं। बट कोई बात नहीं, दिस इज़ ये स्वाभाविक सा प्रश्न है कि हम ये कहेंगे कि कोई भी वस्तु की कीमत हम तो कम देना चाहते हैं, लेकिन मार्केट वाला जो दुकान वाला है वो हमसे ज़्यादा ले लेता है। तो लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नहीं, उपभोक्ता की बचत होती है। तो उपभोक्ता की बचत कहाँ हो रही है? उपभोक्ता का तो आधे जो पैसा है वो ज़्यादा खर्च हो रहा है, वो तो देने को तो कम तैयार है। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपके पास में एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपको टी शर्ट खरीदनी है, तो आप टी शर्ट खरीदने के लिए मार्केट में गए हैं और टी शर्ट वो आप 3-4 टी शर्ट्स देख रहे हैं, और आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड की टी शर्ट बहुत पसंद आ गई है, और आपने उसको हो सकता है कि किसी को और भी पहने को देखा है, और आपके मन में तीव्र इच्छा है कि मुझे ये टी शर्ट लेनी ही है। अब
जब आप वहाँ पर मार्केट में गए हैं और उस पर्टिकुलर वस्तु टी शर्ट को ख़रीदने के लिए जब आप मन कर रहा है आपका, और आपकी जेब में मान लीजिए कि आपको 500 रुपीज़ दे के भेजा है, लेकिन वो टी शर्ट 800 की है, तो आप मतलब आपके मन में है, तो वो जो सेलर है जो मार्केट में आप वो जो बस जो बेच रहा है उस टी शर्ट को, वो आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को देख लेता है, भाप लेता है, और वो आपको उसी टी शर्ट को लेने के लिए बार बार कन्विंस करेगा। अब हो सकता है उसकी कॉस्ट केवल 500 रुपये की है, लेकिन उसकी बढ़ी हुई कीमत है ही इसलिए क्योंकि वो इस प्रकार से उसकी कीमत बढ़ा करके रखी गई है, क्योंकि देखा जा अक्सर देखा जा रहा होगा कि फैशन की वजह से वो वस्तु बहुत मांग में आ गई, तो उसकी कीमत बढ़ा करके वो बेच रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो ब्रांड नेम लगा दिया जाता है, वो बेसिकली ब्रांड उस ब्रांड की होती ही नहीं है, लेकिन आपको पसंद आ गई तो वो उसी ब्रांड के हिसाब से वो कीमत बता देता है। इसी प्रकार से वो अगर आपकी, क्योंकि वो कंज्यूमर की साइकोलॉजी को रीड कर रहा है, मनोविज्ञान को रीड कर रहा है, तो आपका जो व्यवहार है, उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो क्या होगा, और ये प्रोड्यूसर सेलर का क्या व्यवहार है वो आप देख सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि उस वस्तु को, वो आपके सामने वो उस वस्तु को इस प्रकार से पेश करेगा कि वो उसकी आप उसको पसंद करें और उसके बाद में आप उसकी एक ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपको लगे कि उसकी अनअवेलेबिलिटी कल हो जाएगी तो आप और भी ज़्यादा उसकी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, मुझे तो एनी हाउ ये वाली टी शर्ट चाहिए। तो अब आप वास्तव में तो ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हैं, आप 3,000 रुपये भी देने के लिए तैयार हैं, और उसकी कीमत वो कहता है कि नहीं, ये तो मैं 2,000 में ही दे रहा हूँ, तो वो 2,000 आप दे देंगे, जबकि उसकी कॉस्ट क्या आई है, 500 रुपये की आई थी। तो कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा कीमत देने को तैयार हैं, और वो ये जान लेता है कि उपभोक्ता ज़्यादा कीमत देने को तैयार है, वास्तव में कीमत इतनी है, तो वास्तविक कीमत और जो ज़्यादा देने को तैयार है उसके अंतर को वो समझ लेता है, भांप लेता है, उपभोक्ता की बचत में से वो हिस्सा अपने हाथ में ले लेता है। तो इसलिए ये उपभोक्ता की बचत बचत नहीं है, बेसिकली ये प्रोड्यूसर के लिए, प्रोड्यूसर या सेलर को ये चीज़ समझनी होती है कि मुझे कहाँ तो कीमत ज़्यादा ले लेनी है, किस उपभोक्ता से ज़्यादा कीमत ले लेनी है, और किस उपभोक्ता से मुझको कम कीमत ले लेनी है। इस प्रकार का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, विभेद भी होता है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली इट्स अ ये एक तरीके की भ्रांति सी उत्पन्न होती है इस नाम को सुन करके, लेकिन ये बेसिकली ये इसका मत तात्पर्य यह है कि जो उद्यत है उपभोक्ता, जो कीमत देने के लिए उद्यत है, यानी तैयार है, उसको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और वास्तव में वो जो पे करता है, उसके बीच के अंतर को हम उपभोक्ता बचत कहते हैं। और गवर्नमेंट बिजली के मामले में, क्योंकि उसकी मोनोपोली है, नमक में वो प्राइस बढ़ा सकती है, बढ़ा सकते हैं, मतलब ये जो बेसिक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक वस्तुएं होती हैं जिनके बिना उपभोक्ता रह ही नहीं सकता, तो उन वस्तुओं की कीमत जो है वो बढ़ी हुई वो उस उनकी कीमत बढ़ती ही इसलिए क्योंकि वो जान लेते हैं कि उपभोक्ता की बचत हो रही है, यानी कि उपभोक्ता देने को तैयार ज़्यादा है और हम कम कीमत ले रहे हैं, तो वो इसी कारण से कीमत को बढ़ा देते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि उपभोक्ता की बचत का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा उपयोगिता विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, हम किसी भी वस्तु का क्रय तब तक करते जाते हैं जब तक कि उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसके लिए दिए जाने वाले द्रव्य की सीमांत उपयोगिता से अधिक है। तो हम तब तक उस वस्तु से मतलब उस पर व्यय करते जाएंगे, जो हमने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था तो उसमें यही बात हो रही थी। तो अतः प्राप्त उपयोगिता और किए गए त्याग को द्रव्य के रूप में व्यक्त किए जाने पर उसके अंतर का योग उपभोक्ता प्राप्त उपयोगिता और किए गए त्याग को द्रव्य के रूप में व्यक्त किए जाने पर उसके अंतर का योग उपभोक्ता की बचत बताता है। उदाहरण के लिए माना कि ए आमों का उपभोग करना चाहता है, बाजार में आम का भाव 30 पैसे प्रति आम है। उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार ज्यों ज्यों ए ए आमों का उपभोग करता जाएगा, त्यों त्यों बाद में आने वाली इकाइयों की सीमांत उपयोगिता गिरती जाएगी और अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ए को आम से मिलने
वाली सीमांत उपयोगिता तथा उसके द्वारा दिए जाने वाले द्रव्य की सीमांत उपयोगिता के बराबर होने पर वह आम की और इकाइयां नहीं खरीदेगा, पर इस सीमांत इकाई से पहले खरीदे गए आमों से ए को जो अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई है उनका योग उपभोक्ता की बचत कहलाएगा। अब इसको हम आपको अभी मैंने थ्योरेटिकल बताया, लेकिन अब अपन इसको टेबल से समझते हैं। टेबल से हमें ये बात कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा। हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें चार कॉलम्स हैं, आमों से प्राप्त उपभोक्ता की बचत। अब हमने पहले कॉलम में क्या लिया है, आम की इकाइयाँ। फिर दूसरे में क्या लिया है, आमों की प्राप्त सीमांत उपयोगिता अर्थात वह कीमत जो उपभोक्ता देने को तैयार है। फिर तीसरे में अपन ने लिया है आमों की बाज़ार में कीमत अर्थात जो कीमत उपभोक्ता वास्तव में चुकाता है। और फिर हमने लिया है उपभोक्ता बचत पैसों में। ये सब पैसों में है, आमों की सीमांत उपयोगिता को भी हमने पैसों में कर रखा है, आमों की बाज़ार कीमत भी पैसों में है और उपभोक्ता बचत भी पैसों में है। अब आप देखिए, पहला जो आप देखिए फर्स्ट इकाई में वो 100 पैसों की सीमांत उपयोगिता उसके लिए, वो पहली इकाई वो 100 पैसा देने को तैयार है। दूसरे में वो 90 पैसा देने को तैयार है, फिर 70 पैसे, फिर 50 पैसे, फिर 30 पैसे। ये उपयोगिता रास नियम के आधार पर हमने बनाया। और आमों की बाज़ार में कीमत कितनी है, वो फिक्स 30 पैसा कर रखी है। और अगर हम उपभोक्ता बचत कैलकुलेट करें तो पहली इकाई में तो 100 में से 30 यानी कि 70 पैसे का उपभोक्ता बचत हो रही है, दूसरी इकाई में 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 पैसे, तीसरी में 70 माइनस 30 यानी 40, 50 माइनस 30 20 और फिर 30 माइनस 30 0। तो उपभोक्ता की कुल बचत 190 और कुल उपयोगिता 340 और कुल कीमत 150 हो गई। ये आप टेबल एक बार बनाइए और इसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर कीजिए ताकि हम आगे इसका कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिकली तो फिर हम इसमें आगे हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि उपभोक्ता बचत ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और अगर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हम चित्र स्वयं ही बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर हम कल बात करते हैं। थैंक यू।